नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेक न्यूज कन्नौज। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर तिरमा कोतवाली क्षेत्र के फगुआ बख्ता के पास गुरुवार की सुबह एक भीषण हादसे में डिवाइडर से सिराज कार टकराने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई। गाड़ी हादसे की वजह से कार के परखंचे उड़ गए। बताया गया कि आगरा से लखनऊ की ओर सिराज कार जा रही थी, जिसमें गुड़गांव के हरिश्चंद पंडित और लखनऊ की फरार खान के साथ एक लड़की सवार थी। हादसे के कारणों की पुलिस पड़ताल में जुटी है। कितने लोगों की मौत हुई है, क्या शिनाख्त हुई उनकी? ये सियाज गाड़ी है जो सुबह 6:30 बजे 194 किलोमीटर पर जो आगरा से लखनऊ जा रहे थे, इसमें से तीन लोग इसमें सवार थे। तीनों की अनस्पॉट डेथ हो गई है, उनका शिनाख्त हो गई है। इसमें एक हरिश्चंद पंडित है जो गुड़गांव के रहने वाले हैं, दूसरा एक फरहा खान है जो लखनऊ की रहने वाली है, तीसरी एक लड़की की अभी पहचान नहीं हुई है, उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। इनके घर वालों को सूचना हो गई है और इसमें जो पंचायत है पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? ये आगरा से लखनऊ जा रहे थे, इसके बारे में और जानकारी की जा रही है। शायद ये रात में गुड़गांव से चले थे और 194 कट पर ही, ये जो फगुआ बट्टा कट है तिरवा के पास, यहीं एक्सीडेंट हुआ है। सर, डिवाइडर से गाड़ी टकराई है। सर, कोहरा वाला भी था उसमें? अब कोहरा क्या लगता है कि अब देखना पड़ेगा कि कोहरा भी कुछ था और कुछ उस समय सुबह का टाइम था, हो सकता है झपकी लगी रही हो, तो और चीज़ों की जाँच की जा रही है। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।